थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को यहाँ आने के लिए. एक अच्छा सा इवेंट हम कर रहे हैं आज जो आप कवर कर रहे हो. दिस इज सुपर मॉम सुपर वुमेन अवार्ड्स. आज जैसे इस बहुत स्पेशल डे है मदर्स डे एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे और सबके लिए खास और स्पेशल होता है. मदर्स सबके लिए करीबी और इमोशनल है कि एंड इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट जो हमने आज इस दिन किया है और ये हमारा थर्ड सीज़न है. लोग सेलिब्रिटीज़ आर्टिस्ट बिजनेसमैन सबको तो अवार्ड देते हैं, उनके लिए बहुत अवार्ड शोज होते हैं, बट स्पेशली ये अवार्ड शो जिसको लोग भूल गए, जिसको लोगों ने मतलब मिस कर दिया है, जो सबसे बड़े लीडर है किसी को बड़ा बनाने में. जैसे कि एक मदर है, जो मदर जब तक कुछ डेडिकेशन या अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी, कोई भी कितना भी बड़ा आदमी या बड़ा स्टार हो या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो या कितना भी कोई बड़ा बन जाए, बट मदर का जो रोल है वो हिडन है बट सबसे इम्पॉर्टेंट है और वही लोग भूल जाते हैं. तो इधर आज हम इस प्लेटफॉर्म पे उन्हीं को सम्मानित कर रहे हैं, मदर्स सुपर मॉम्स. तो हमने सुपर मॉम सुपर वुमेन अवार्ड रखा है एंड थैंक यू एवरीवन टू जॉइन अस एंड एनीथिंग मोर यू वांट टू आस्क प्लीज. डन. पाकी. हेलो एवरीवन, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू. I finished my college and you know orthodox families how normally they want their kids to just get into marriage. तो वैसे ही बचपन में ही शादी हो गई और एक साल में I was a mother. उसके बाद में कुछ ऐसी situations आई जहाँ पर मुझे कुछ decisions लेने पड़ गए और तभी आया ख्याल कि अपने talent पर कुछ करना ज़रूरी है. तो आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन. उसके बाद में MBA मैंने अपनी करस्पॉन्डेंस से कम्प्लीट की. लेकिन अपने टैलेंट पे जल्दी अगर कुछ करना है तो मुझे लगा कि फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म मेरे लिए हो नहीं सकता, बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज प्रेजेंटेबल. स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी अच्छा था. तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत की एक टेलीविजन शो से. मैं बनूंगी मिस इंडिया, जो नंबर वन पे रहा काफ़ी साल. और फिर मेरा पदार्पण हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में और वहाँ पर मैंने 75 फिल्म्स की और सफ़र चलता रहा. बच्चों को टाइम उतना नहीं दे पाती थी तो उनको बोर्डिंग में मुझे रखना पड़ गया. बट मैं बहुत ब्लेस्ड थी कि मेरे बच्चे समझदार थे और उन्होंने इस चैलेंज को बहुत पॉजिटिवली लिया कि मॉम बिज़ी है और हमको लुक आफ्टर करने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए वो हमको टाइम नहीं दे पा रही है और उनको समझना होगा. सो आई फील वेरी प्राउड दैट आई हैव आशना एंड खुशी बाय माय साइड. आज वो पैन इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं. ब्लॉगर्स हैं, नॉन ब्लॉगर्स हैं. न्यूयॉर्क फैशन वीक में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया से और मैक ब्रांड को रिप्रेजेंट किया है US में. सो आई फील वेरी प्राउड एंड मुझे लगता है कि एक माँ की खुशी सबसे ज़्यादा इसी में होती है जब उनके बच्चे उनसे आगे नाम कमाते हैं. तो आज जब फैंस आते हैं और मुझे बोलते हैं कि आप आशना की मॉम हो, तो आई फील वेरी प्राउड. मुझे लगता है इससे ऊपर मतलब हैप्पीनेस एक मॉम के लिए कुछ नहीं हो सकती है. तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही है एंड आई फील वेरी नाइस. इंस्पायरिंग आइकन अवार्ड्स 24 ये थर्ड सीज़न होने जा रहा है और मुझे लगता है कि हर माँ अपने आप में एक बहुत बड़ी विनर है, बिकॉज बच्चों को अच्छी परिस्थितियों में, बुरी परिस्थितियों में भी माँ प्यार उतना ही करती है और चाहती है कि अपना बच्चा सबसे बेस्ट करे, सब कुछ ऐसे लेवल पे करे जहाँ पे माँ को प्राउड फील हो कि मेरे बच्चे ने ये किया. सो दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म आई फील जहाँ पर हर माँ को रिकग्नाइज़ किया जाएगा. वो कितना बड़ा या कितना छोटा ज़रूरी नहीं है. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ एवरी वुमन इज़ ट्राइंग हार्ड, एवरी वुमन इज़ एम्पावर्ड. और मुझे लगता है इससे बड़ा अचीवमेंट और अवार्ड हो नहीं सकता. सो स्पेशल थैंक्स टू कुणाल जिन्होंने इस बारे में सोचा और इस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया. आई फील वेरी प्राउड टू बी हियर. वॉट मैटर्स इज एवरी वुमन इज स्पेशल एंड वेन शी बिकम्स अ मदर शी बिकम्स मोर स्पेशल. सो आई फील स्पेशल टूडे. थैंक यू सो मच. थैंक्स अलॉट. थैंक यू. Welcome.
Right. Firstly, I would like to wish everyone happy Mother's Day, and I feel completely blessed that I've been chosen, I've been nominated for my Alf Fragrance perfume brand for the Super Mom as well, and I am extremely happy. And thanks a lot to Kunal and his team for such prestigious ceremony, event ceremony, and award session. Thank you so much. Firstly, I would like to wish everyone a very, very happy Mother's Day. And this is such a prestigious award ceremony, especially on the occasion of Mother's Day. And I feel extremely blessed and I feel extremely happy. And this is my way to surprise my mom. And I guess we all should surprise our mom and have something for them. Like, especially not just one day is Mother's Day. I feel every and each day should be celebrated for mothers. And yes, we all are very happy and lucky that we have such beautiful soul on earth with us for us to guide in each and every step. So yes. So basically, I'm the owner of Alf Fragrance brand. It's a perfume brand, and we have been doing this since our last 10 generations. And we provide premium quality fragrances with lasting for about 72 hours. And we have approximately more than 600 fragrances under our brand, from oud to spicy, from musk to sweet, each and every note we have. And yes, we are also available on Amazon. So you all can go through Amazon as well. Kunal is very, very hardworking person, that's for sure. And also, he's a very kind human being, I would say. And I'm very lucky that I've come across Kunal, and he's a great friend anyone can have. Thank you so much. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं बोला था एंड मम्मी को मुझे यहाँ पर आके ही बोलना था. तो मम्मी फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे, और इसी तरीके से आपका आशीर्वाद बनाए रखना. और यस, विल डू मैनी मोर थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आने वाली है, जो आप सब लोगों को बहुत जल्द पता चलने वाली है. सो या एवरीथिंग इज़ वेरी गुड. और कुणाल भाई, जैसे हम बहुत टाइम से, बहुत पहले से इवेंट करते आ रहे हैं, एंड इट्स रियली हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. About the super mom and super woman. And inspiring. I think a lot of hard work takes to achieve iconic status. And for me, my mother is a superwoman. So I think I've been appropriately chosen to be invited here. And I am humbled by the invitation. And thank you for calling us. I've developed a lot of YouTube channels. I've developed some YouTube channels in collaboration with my mother. So we are working on those. We are garnering some positive responses and a genuine committed followership. So we're looking forward to do great work on YouTube currently. ढेर सारी यादें हैं और मेरे लिए हर रोज़ मदर्स डे. मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ी.
हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं ये बताइए, मैं दोनों में बोल सकती हूँ। हाँ हिंदी में ना, हाँ किसके बारे में? मैं यू नो, अच्छा तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मुझे इस अवार्ड के लिए बुलाया गया तो मैंने पूछा किस चीज़ का अवार्ड है। खैर अवार्ड तो सबको अच्छा लगता है कि मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं जानना चाहती थी कि किस चीज़ का है। तो उन्होंने कहा कि सुपर मॉम, पहले उन्होंने सुपर मॉम कहा था, तो मैंने कहा पर मॉम मेरे तो बच्चे नहीं हैं तो मेरे को मॉम। फिर मैंने उनसे कहा नहीं एक्चुअली ये बिल्कुल सही है मेरे लिए अवार्ड, क्यों? क्योंकि जो दुनिया के बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं और मेरी जो फाउंडेशन है वो बच्चों के साथ अभी तक से 2.5 लाख बच्चों के साथ काम कर लिया है उसने। और सब बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, हाउ टू मेक पीपल सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, हाउ टू रेज द इनर जॉय। एंड मुझे लगता है कि एक हर माँ करुणा, मुदिता, क्षमा, प्रेम, ये हर माँ में ये क्वालिटीज होती हैं और वो क्वालिटीज हर जने में हो सकती हैं, हर जने के लिए। और मुझे ये लगता है कि वो सारी क्वालिटीज मेरे अंदर, मैंने पिछले 20 सालों में मैं जो ध्यान कर रही थी, योगा के आश्रमों में रह रही थी और संन्यास मैंने लिया हुआ था, वो मैं क्या कर रही थी? मैं अपनी ये सारी क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटीज़ अपने अंदर जगा रही थी और वो सारी क्वालिटीज़ माँ से सीधा संबंध रखती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एक एक जना जो है, हर एक स्त्री एक माँ पहले है और कुछ बाद में। तो आई एम रियली डिलाइटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, आई एम रितु सिंह। मैं बहुत खुश हूँ आज मैं शो में आई एंड आज मदर्स डे है, सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। सुपर मॉम, ओ वाओ, ये बहुत अच्छा अवार्ड शो होने वाला है, मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। थोड़ी देर में मेरा रैम वॉक है, आप सब देखना कैसा किया मैंने। जी अभी कुछ दिन बाद मेरा सॉन्ग शूट होने वाला है, देन उसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स हैं, और भी शोज हैं, मैं वो बताऊंगी। थैंक यू। सो पहली बात तो थैंक यू, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थैंक यू फॉर दिस अवार्ड कुणाल जी, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि जनरली बिजनेस अवार्ड्स और फिल्म अवार्ड्स बहुत होते हैं, पर एक मदर जो एक माँ होती है उनकी जो सैक्रिफाइसेस होती है और वो जो करती हैं एक बच्चे के लिए, वो एक नेशन को तैयार कर रही हैं, एक ऐसा इंसान जो बड़े होके एक नेशन को आगे बढ़ाए अच्छे वे में। सो मेरे लिए बहुत बहुत प्राउड का मोमेंट है बिकॉज मेरे 3 टीनेजर्स हैं और अपार्ट फ्रॉम माय प्रोफेशन मैं जो भी कर रही हूँ हर पल मैं अपने बच्चों को ही याद करके करती हूँ और वो मेरे सबसे बड़े सपोर्ट हैं। कुछ लाइनें मैंने लिखा है मेरी माँ के लिए, ये अवार्ड मैं अपनी माँ के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। शी इज़ अप इन हेवन, आई लॉस्ट हर 10 years बैक विद कैंसर एंड दिस अवार्ड इज़ फॉर यू मॉम एंड माई डैड, माई फादर, जिन्होंने हमेशा माँ की तरह हमें मुझे और मेरे भाई बहनों को पाला है। उनके लिए चंद शब्द मैंने लिखा है जो मैं बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोग सबको थैंक यू बोलूँगी, स्पेशली जो है मैं सबको मतलब थैंक यू बोलूँगी और स्पेशली कुणाल के लिए मैं बहुत ही थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने मुझे याद किया और हम सबको यहाँ पर मेरी फैमिली को इनवाइट किया। और मैं जो हूँ अल फ्रेगनेंस की CFO हूँ शगुफ्ता खान,
Yes, that's right. And also we have more than 600 fragrances, as I've told earlier. और हमारा Amazon पर भी अवेलेबल है एंड वी ऑल्सो हैव अ शॉप विच इज़ एट मस्जिद बंदर सो यू ऑल कैन विजिट एंड शॉप फ्रॉम देयर शॉप आ कलेक्शन फ्रॉम देयर एक्चुअली इससे ज़्यादा अच्छी है मेमोरीज क्या होगी अल्फिन जो है बिजनेस करना चाहती थी और अल्फिन ने अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक आगे लेकर गई हैं इससे पहले भी अल्फिन को बहुत बड़े अवार्ड मिले हैं और वो अवार्ड के बाद अल्फिन को ये और दूसरा मतलब जो है ये अवार्ड मिला है अब आगे जो है आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब जो इसी तरह से अल्फिन का साथ दीजिए और अल्फिन की खुशबुओं को आप लोग पसंद करिए और आगे तक लेके जाइए थैंक यू सो मच मदर्स डे मेरे लिए स्पेशल बहुत है क्योंकि आई डोंट हैव मॉम मॉम इज़ अ पास्ट अवे तो काफ़ी टाइम हो चुका है और मदर्स डे पे स्पेशली मैं बहुत मिस करती हूँ उनको हमेशा और उनका ब्लेसिंग मेरे साथ है ऑल द वुमेंस एंड ऑल द गर्ल्स ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड बॉयज जेंटलमैन सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे ये अवार्ड मुझे मिला है इसमें खूबसूरत सा दिल है वो मेरा है आप लोग तोड़ना मत कुछ भी मत लिख देना ओके सी यू सून नाइस आने वाले प्रोजेक्ट में मेरा एक टॉक शो आ रहा है जो कि बहुत एक हॉरर शो भी है बहुत जल्दी अभी मैं कुछ बताऊंगी नहीं इट्स अ सरप्राइज मैं जब मॉम बनूंगी तब स्पेशल होगा मेरे लिए वो वुमेंस डे बट अभी मैं एक बॉम गर्ल हूँ एंड बॉम क्या है ये सुपर वुमेंस हूँ तो सुपर वुमेंस डे थैंक यू एक नंबर आप कैसे हो यस तो अभी अभी मेरी पिक्चर रिलीज हुई थी एक डेढ़ महीने पहले योद्धा करके धर्मा के लिए तो उसको लेके काफ़ी एक्साइटेड हूँ अभी वो अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीम होने जा रही है आई थिंक ऑलरेडी हो रही है अभी स्प्लिचुराए हो रहा है जो मैं सनी के साथ होस्ट कर रहा हूँ तो वो उसका रिस्पांस मिलने में भी बहुत मज़ा आ रहा है एंड अभी मैं एक नेटफ्लिक्स शो के लिए उसका नाम नहीं ले सकता उसके लिए अभी फ़िलहाल शूट कर रहा हूँ इसलिए बाल थोड़े छोटे हैं मेरे और आने वाले आई थिंक दो तीन महीने में कई सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं एक है के मेनन के साथ मुर्शिद करके बाप बेटी की कहानी है एक है जॉनी जंपर विजय राज और मेरे साथ और एक है अपलॉज के लिए तो या नहीं मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत होस्टिंग कर रहा हूँ स्प्लिचुला के लिए और बस अभी मेरी शादी हुई है तो थोड़ा घर पे भी वक्त बिता रहा हूँ आई एम सो सॉरी हाँ यस एक्चुअली मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है योद्धा के लिए तो लेट्स सी होपफुली आई कम बैक विद एन अवार्ड यस वेल मैं इंडिया और दुनिया के सारे मॉम्स को मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव माई बेस्ट विशेज टू ऑल द मदर्स टू बी जो जो भी आजकल प्रेग्नेंट है अगले साल मदर्स बनेंगे तो टू देम एज़ वेल वो अभी टाइम है देखते थैंक यू सो मच थैंक यू मम्मी कम ना यस यार इट्स अ मदर्स डे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी मॉम के साथ आई हूँ हैप्पी मदर्स डे टू यू एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी बीन अवार्डेड आई मीन शी इज़ बीइंग अवार्डेड विद सुपर मॉम्स अवार्ड एंड इट्स अ प्लेजर कि आप लोग ये अवार्ड फंक्शन रख रहे हो टू फेलिसिटेट मदर्स हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन आवर करियर्स एंड जस्ट वेरी हैप्पी टू बी हियर सी बहुत बहुत मायने रखती है क्योंकि मम्मी है सिंगल हैंडेडली रेज्ड मी यू नो मेरे पापा नेवल ऑफिसर थे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम रहते ही नहीं थे हमारे साथ वो काम पे बिजी रहते थे आउट ऑफ स्टेशन ही रहते थे सो शी हैज़ टेकन केयर ऑफ मी सिंगल हैंडेडली राइट फ्रॉम माई एजुकेशन टू एवरीथिंग सो शी इज़ एवरीथिंग ऑफ माइंड लाइक यू नो
तो एंड आई एम ग्लैड कि आप लोग ये सेरेमनी रख रहे हो, ताकि यू नो हम जितना मॉम से प्यार करते हैं हम शायद बोलेंगे नहीं, बट दिस इज़ अ वे टू कंग्रेचुलेट हर एंड एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड. से समथिंग फॉर द डॉटर. मैंने अपने बेटी को आई मेड हर ब्रॉटर अप लाइक अ मैन. मैं फ़र्क नहीं करती बेटा और बेटी में. सो आई टॉट हर एवरीथिंग पॉसिबल सो शी कैन लिव इंडिपेंडेंटली इन द वर्ल्ड. दैट वाज माय वर्क. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मीडिया को मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार मीडिया को. मैं डॉक्टर निकेश तारचंदन, मदानी फाइनेंस का चेयरमैन. मैं कुणाल पटेल जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने ये अवार्ड शो रखा सुपर मम मदर डे के दिन, और मुझे आमंत्रित किया इतने बड़े मंच पे, और मुझे बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया गया. मैं यहाँ हूँ शैलेश पटेल का. शैलेश पटेल, आप लोग साथ दो, हिम्मत दो और आगे बढ़े. हम लोग, हमारा भी एक अवार्ड शो आ रहा है, आप सबको आमंत्रित है, और शैलेश पटेल उसका पूरा ध्यान रख रहा है. अभी थैंक यू वेरी मच. आई एम वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस. आई विश ऑल द बेस्ट टू पायलॉन ज्वेलर्स. वी आर वेरी हैप्पी टू द पार्ट ऑफ दिस एंटायर इवनिंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. मैं आपको ये दे रहा हूँ, लेट्स एक्सचेंज अ कॉल, लेट्स गेट मीट अप. इसमें नंबर पक्का सर है ना? हाँ है ना, मिलते हैं. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज इस इवेंट में इतनी सारी मात्रा में तादाद में लोग आए हैं. हम हर साल इसके पीआर पार्टनर रहे हैं, प्रेस और उसके अलावा कुछ सेलिब्रिटीज़ और कुछ खास अतिथियों को हमने बुलाया था. इवेंट में जितने भी एक्टर्स आए हैं, उसके अलावा सेलिब्रिटीज़ आए हैं, उन सारे लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं. ये बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि आज मदर्स डे है, और मदर्स डे में अगर हम सक्सेसफुल लोगों को सुपर मॉम सुपर वुमन का अवार्ड देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. हम सभी की तरफ से पायलॉन ज्वेलर्स भी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र है, इसके इवेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया है, तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ. कुणाल का खासकर मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट होस्ट किया है. देखिए, पहले चार महीने फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं रहे. शैतान के अलावा कुछ भी नहीं चला है. पिछले साल के कंपेयर में इस साल में हमने 15% नुकसान पाया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मई में भैया जी रहेगी, जून में कुछ फिल्में हैं, जुलाई में कुछ फिल्में हैं, और फिर सबसे बड़ी फिल्म आएगी अगस्त में पुष्पा 2, तो उसके लिए हम एक्साइटेड हैं. हो सकता है कि ये जो वक्त पूरा गुजरा है ये चार महीने का, वो कंपनसेट हो जाएगा अगस्त से. हम तो ऑलरेडी थैंकफुल है कुणाल सर के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट उनके काफ़ी इवेंट्स में हम साथ में रहते हैं. मैं हूँ पायलॉन ज्वेलरी की तरफ से, और सर आगे भी साथ में रहेंगे, क्योंकि जब वो है तो हम हैं. थैंक यू. माँ के लिए देखिए, बहुत बड़े शायर है, शायर थे मुनव्वर राना, जिन्होंने सबसे अच्छी शायरी माँ के लिए की. उनका एक बड़ा अच्छा शेर है, वो कहते हैं, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में घर आया. किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में घर आया. मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई. हाय एवरीवन, नमस्ते. मैं ठीक हूँ, आप लोग बताइए कैसे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी वेरी स्पेशल. नहीं, ऑफकोर्स जब भी अप्रिसिएशन मिलती है काम के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये तो सुपर वुमेन का अवार्ड है, सो
यहाँ कि मल्टीटास्किंग कर रही हूँ मैं, सो आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी कि मुझे ये अवार्ड दिया एंड रियली हैप्पी। नहीं बिल्कुल, एंटायर क्रेडिट एक्चुअली माँ को ही जाता है, माँ ही सबसे पहली टीचर होती है। और मेरी मम्मी ने जिस तरह से हम वी आर थ्री सिस्टर्स और जिस तरह से परवरिश की है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है, मल्टीटास्किंग करना सिखाया है। सो आई एम मतलब आज मदर्स डे भी है तो मैं अपनी मम्मी को बहुत बहुत दिल से प्रणाम करती हूँ। और ये जो अवार्ड है ये उनको मैं डेडिकेट करना चाहूँगी। नहीं हाँ डेफिनेटली, मम्मी हमेशा जो सबसे पहली चीज़ सिखाई दैट इज़ ऑनेस्टी। जो भी आप काम करते हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और इंस्पिरेशन तो मैं लेती रहती हूँ, अब हमारे आसपास इतनी वर्किंग वुमेन हैं और इतनी इंस्पिरेशन है एंड फीमेल्स आर डूइंग वेरी गुड, सो वो सब मेरी इंस्पिरेशन है। भाभी जी घर पे है, चल रहा है, आप लोग सभी देखते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, कीप लविंग, कीप लाफिंग, लव यू ऑल। मैं तो रोज ही आती हूँ। अभी ये तो कर लूँ, ये तो बहुत दिल से कर रही हूँ एंड आप सभी के लिए ऐसे ही पकड़े हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सबको। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एज एवरीवन नोस मदर्स डे है और आज हम मदर्स को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन काफ़ी नहीं होता है, एवरी डे हमने मदर्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। मदर्स डे पे तो खास होता ही है और इतना ब्यूटीफुल इवेंट है आज। कुणाल और इवेंट्स फैक्ट्री को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि इतने अच्छे दिन पर इन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। और कुछ जानना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जवाब देना इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मॉम खास होती हैं और आज के दिन जैसे मैंने कहा सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमने 365 डेज और टिल द लास्ट ब्रेथ हमने उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। और मेरी मॉम बहुत ख़ास है मेरे लिए। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कैसे मुझे बिहेव करना है और यू नो डे वन से हर एक चीज़ की ट्रेनिंग दी गई थी। वो एक डांसर बनना चाहती थी, उनको कथक का और सिंगिंग का म्यूज़िक का बड़ा शौक है तो मैंने भी कथक में ग्रेजुएशन किया हुआ है। और उसके साथ में हम ट्रैवल करते हैं, साथ में खूब मस्ती करते हैं। तो मोर देन माई मदर शी इज़ माई बेस्ट बडी, माई बेस्ट फ्रेंड, माई टीचर, माई गाइड, एवरीथिंग। सो दैट्स द रीज़न यू नो आई हैड कम हियर ऑल द वे टू सेलिब्रेट हर और ये इवेंट उसी के लिए है तो आई एम वेरी हैप्पी। ज़्यादा तो शेयर नहीं कर पाऊँगी लेकिन मैं एक सॉन्ग कर रही हूँ अभी बाबुल सुप्रियो के साथ, मेरा पहला गाना भी उनके साथ था और अभी एक और हम सॉन्ग कर रहे हैं। तो अभी इलेक्शंस की वजह से थोड़ा सा शूट डिले हो गया है लेकिन उसके बाद ही हम अगस्त में शूट कर रहे हैं, दैट्स हैपनिंग इन दुबई। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। और मैं एक दो प्रोजेक्ट साउथ के लिए भी कर रही हूँ और वेब सीरीज़ इतनी सारी हो रही हैं तो टॉक्स आर ऑन फॉर दैट, सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। बट या ज्योति सक्सेना इज़ बैक विद अ बैंग। थैंक यू, टेक केयर। यही कहना चाहूँगी, अच्छा लग रहा है बस, दैट्स ऑल। और हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली आई एम सो हैप्पी बिकॉज सुपर मॉम का अवार्ड मिला है और मेरा बेबी 21 मंथ्स का है, काफ़ी छोटा है तो मैं उसको काफ़ी मिस कर रही हूँ अभी यहाँ पे क्योंकि वो काफ़ी छोटा, मैं उसे नहीं यहाँ पे ले कर आ पाई। बट थैंक्स टू माई बेबी कि उसकी वजह से मुझे ये सुपर मॉम का अवार्ड मिला है। एंड
नो नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट बेबी की वजह से तो और भी एक्चुअली एक सुपर मॉम बन जाते हैं, इसलिए शायद ये अवार्ड मिला है. तो काफ़ी स्ट्रेंथ मिल जाता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. थैंक यू. देखिए ये मदर्स डे जो आया है और मदर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये जो मदर्स का जो कंट्रीब्यूशन है अपने बच्चों को जो एक वैल्यू सिस्टम जो प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए बड़ा दिन है. और सारी जितनी भी मदर्स हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा और एडवांस में उनको एक तो बधाई दूँगा. एंड दे आर रियली वेरी ब्रेव और उस तरीके से उन्होंने पूरा जो परवरिश और वो करे हैं तो बहुत ही अच्छा हुआ. माँ ही सब कुछ होती है, मेरे लिए तो ये मानना है माँ के बगैर कुछ नहीं है. ठीक है, और इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्यार करती है माँ ही करती है, और सेल्फलेस लव करती है. और दुनिया तो शायद मतलब से प्यार करती है, माँ बिना मतलब प्यार करती है. माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं. अभी हमारे प्रोजेक्ट लाइंड अप हैं, एक लाल रंग भी आ रही है और उसके अलावा दो तीन प्रोजेक्ट और लाइंड अप हैं जो अभी आएंगे. थैंक यू.